नमस्कार दोस्तों, कर्नल मिलिट्री स्कूल कुचामन सिटी में आपका स्वागत है। मैं कर्नल नंदकिशोर ढाका आज कुछ जरूरी चीजें आपसे बातें करना चाहूंगा। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर अगर कोई चीज है तो वो है शिक्षा, यानी एजुकेशन। और एजुकेशन की जो आम परिभाषा है वो ये है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग और द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट्स। और मैं आपको एक बहुत ही सरल परिभाषा एजुकेशन की बताता हूं कि एजुकेशन दिमाग, शरीर और आत्मा का सामंजस्यपूर्ण विकास है। एजुकेशन इज द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। और मेरा यह मानना है कि एक आम आदमी के लिए, एक कॉमन मैन के बच्चे के लिए इस टाइप की एजुकेशन अगर कहीं मिल सकती है तो वो जगह है हमारी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, हमारी सैनिक स्कूल्स और हमारी राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज RIMC। मेरा ये मानना है कि सैनिक स्कूल्स एंड मिलिट्री स्कूल्स आर द पब्लिक स्कूल्स ऑफ कॉमनवेल्थ। ये सैनिक स्कूल्स और मिलिट्री स्कूल्स कॉमन मैन, आम आदमी की पब्लिक स्कूल्स इसलिए हैं कि सैनिक और मिलिट्री स्कूल्स में किसानों और जवानों के बच्चे जाते हैं, और पब्लिक स्कूल्स जिसमें बड़े बड़े रेश ज्यादा पढ़ते हैं, दे आर टू एक्सपेंसिव एंड टोटली अनथिंकेबल फॉर कॉमन मैन, आम आदमी की पहुंच से पूर्णतया दूर है। ये कुछ एक पब्लिक स्कूल्स की मैं डिटेल्स आपको दिखा रहा हूं। UWC महिंद्रा कॉलेज है पुणे में, जिसकी वार्षिक फीस है 19 लाख रुपए। ये वुडस्टॉक स्कूल जो मसूरी में है, इसकी सालाना फीस है 16,70,000 रुपए। जो कॉर्बस अमेरिकन एकेडमी है महाराष्ट्र में, इसकी फीस है साल की 16 लाख रुपए। ऐसे ही कैनेडियन इंटरनेशनल स्कूल जो बेंगलुरु में है, उसकी एक साल की फीस है 13,10,000 रुपए। और बेंगलुरु में एक और स्टोन हिल इंटरनेशनल स्कूल है, उसकी साल की फीस है 11,70,000 रुपए। जो तमिलनाडु में कोडियाकनाल इंटरनेशनल स्कूल है, उसकी फीस है 10,75,000 रुपए। और जो पंजाब में अमृतसर में मीरी पीरी एकेडमी है, उसकी फीस है 10,35,000। और हमारी फेमस दून स्कूल जो देहरादून में है, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी और सभी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन पढ़े हैं, उसकी फीस है साल की 10,25,000 रुपए। ऐसे ही जो इंटरनेशनल स्कूल बेंगलोर है, उसकी फीस है 10,20,000। दोस्तों, ये स्कूलें हैं, क्या आम आदमी इतनी भारी भरकम फीस दे पाता है? कतई नहीं। तो मेरा ये मानना है कि हर साल इन बड़ी बड़ी स्कूलों की एनुअल रैंकिंग्स होती है। किस आधार पे? इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इन स्कूलों में, स्पोर्ट्स एजुकेशन कैसा है, सेफ्टी और हाइजीन की क्या व्यवस्थाएं हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग कैसी दी जाती है, उनकी एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है, इंडिविजुअल अटेंशन कितना दिया जाता है स्टूडेंट्स को, वैल्यू फॉर मनी क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसा है, इनोवेटिव टीचिंग है या नहीं है, और कोकुरुल एक्टिविटीज या कोकुरुल एजुकेशन कैसा है। इन सारी चीजों को देखते हुए हर साल इन नामी ग्रामी स्कूलों की राष्ट्रीय रैंकिंग होती है। और ये कुछ एक 10 पैरामीटर्स है जिनके आधार पे जो 2019 की रैंकिंग है। अब इसमें आपको दिख रहा है ये दून स्कूल देहरादून जो नंबर 1 पे है 858 पॉइंट्स के साथ में, और वेलम बॉयज स्कूल भी देहरादून में है, ये भी 855 पॉइंट्स के साथ में दूसरे नंबर पर है। अब जिन कॉमन मैन या आम आदमी की पब्लिक स्कूलों की मैं बात कर रहा था, मुझे गर्व है ये बताते हुए कि हमारे राजस्थान की सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ जो संपूर्ण भारत में नामी ग्रामी स्कूलों की रैंकिंग में तीसरे नंबर पे है
841 पॉइंट्स के साथ में, और जो हमारी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु है जो बेंगलोर में है वो 836 अंक के साथ में जस्ट उसके बाद में है। और यहां जो ये हाईलाइटेड पोर्शन है इसमें आप देख रहे होंगे कि जहां तक इनोवेटिव टीचिंग की बात है, जहां तक स्पोर्ट्स एजुकेशन की बात है, जहां तक एकेडमिक रेपुटेशन की बात है, जहां तक वैल्यू फॉर मनी की बात है, जहां कोकरिकुलर एजुकेशन की बात है, इन सब में हमारी ये सैनिक और मिलिट्री स्कूल्स जो अग्रणी स्कूल से दूर स्कूल जैसी स्कूलों को धूल चटा रही है। तो आप मेरी बात समझे और इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का प्लान बनाए। मेरा ये मानना है कि हमारी राष्ट्रीय स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जैसा मैंने पहले कहा, आम आदमी की पब्लिक स्कूल्स है। और मैं तो ये कहता हूं कि पब्लिक स्कूल्स, देर आर सो मेनी पब्लिक स्कूल्स जिनसे ये हमारी सैनिक और मिलिट्री स्कूल्स आर मच बेटर, बहुत ही अच्छी है। किस चीज में? इंफ्रास्ट्रक्चर में, इनोवेशन, इनोवेटिव टीचिंग में, होलिस्टिक डेवलपमेंट में, स्पोर्ट्स एजुकेशन में, कॉरिकुलर एजुकेशन में और लीडरशिप ट्रेनिंग में। कौन जाता है सैनिक और मिलिट्री स्कूल्स में? गरीब, किसान और जवानों के बच्चे जाते हैं। कौन जाता है पब्लिक स्कूल्स में? जो नामी गिरामी वीवीआईपीज है, रईस जादों की बच्चे पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं। मैं कुछ एक एलमनीज जो सैनिक और मिलिट्री स्कूल के कुछ एक पूर्व छात्र हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगा। मिस्टर अजीत डोभाल जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो हमारी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के प्रोडक्ट है। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, सैनिक स्कूल से पढ़े लिखे हैं। श्री अखिलेश यादव जो यूपी के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, वो हमारी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर में पढ़े हुए हैं। और जब अखिलेश जी मिलिट्री स्कूल गए थे तो उनके पिता श्री उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ करते थे, वो उस समय तक कॉमन आदमी ही थे। और हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल दलवीर सिंह सुहाग हमारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के विद्यार्थी रहे हैं। इनके अलावा जेंटलमैन, सो मेनी जनरल्स, एडमिरल्स, एयर मार्शल्स, आईएएस, आईपीएस और बिजनेसमैन और बाकी सभी क्षेत्रों में एक आम आदमी का बच्चा जो गरीब, किसान और जवान का बच्चा है और जीवन की इतनी बुलंदियों को हासिल करा है, तो उसका जो जरिया रहा है वो रहा है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल। अतः मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को सैनिक और मिलिट्री स्कूल में भेजने की आप पूरे प्रयास करें। उसके लिए आपको इतना पता होना चाहिए, ये जो स्लाइड है इसमें दिया हुआ है कि किस बच्चे की किस क्लास के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे सैनिक स्कूल्स में अगर जो सिक्स में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनकी 10 से 12 साल, सैनिक और मिलिट्री स्कूल दोनों में 10 से 12 साल होना चाहिए। यानी जो अभी एग्जाम आगे वाले आने वाले हैं उसमें 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 सैनिक स्कूल के लिए और मिलिट्री स्कूल के लिए 2 जुलाई 2009 से 1 जुलाई 2011 तक के बीच का अगर डेट ऑफ बर्थ है तो वो बच्चे एलिजिबल है। ऐसे ही जो यूपी सैनिक स्कूल है उसमें बच्चे की उम्र 10.5 से 12 साल होनी चाहिए। और जो नाइन्थ क्लास है उसके लिए बच्चे की उम्र 13 से 15 साल होनी चाहिए। कुल मिलाकर के आपको केवल इतना याद रखना है कि अगर आपका बच्चा 8 से 14 साल के बीच में है तो वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की एग्जाम्स के लिए एलिजिबल है। और हमारे जो बैचेज हैं वो 1 अप्रैल से शुरू हो जाते हैं। अतः आपसे निवेदन रहेगा और आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इन स्कूलों में ये जो फैसिलिटीज है इनका भरपूर फायदा उठाया जा सके। दूसरी चीज मैं आपको फीस के बारे में ये बताना चाहूंगा, जैसे आपने अभी देखा पब्लिक स्कूल्स की फीस किसी की 19 लाख, किसी की 17 लाख, किसी की 16 लाख। यहां जो एक बच्चे पे टोटल खर्च आता है, जैसे उदाहरण के तौर पे
राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स को जो गवर्नमेंट ने एक एनुअल बजट दिया है, उस बजट को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स की संख्या से अगर डिवीजन करें तो एक बच्चे के ऊपर जो बजट आता है वो 9 से 10 लाख रुपया आता है और आपको मात्र 8-10% फीस ही वहन करनी पड़ती है, बाकी संपूर्ण फीस मोर देन 90% इज पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसलिए आप ये सुनहरा अवसर है, इसको नहीं चूकना चाहिए। झुंझुनू से आप अच्छी तरह से वाकिफ है, झुंझुनू केवल राजस्थान में नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में डिफेंस के मामले में फौज में सबसे अव्वल है और झुंझुनू के लोगों ने आज से 20 साल नहीं 30 साल नहीं 50 साल पहले अपने बच्चों को सैनिक और मिलिट्री स्कूल में भेजना शुरू किया था। उसी का आज नतीजा है कि झुंझुनू के हर गांव और घर और ढाणी में फौज में अफसर है, हजारों की संख्या में है। केवल फौज में ही नहीं, सिविल सर्विसेज में, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन और सभी क्षेत्रों में वो अग्रणी है। अतः आपको एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स जैसी व्यवस्था देश में और कहीं नहीं है। मैं कहूंगा ऐसी शिक्षा इतने कम पैसे में हिंदुस्तान ही नहीं धरती पे कहीं भी नहीं है। इसके बारे में आपको जब भी कोई भी जानकारी और चाहिए हम बिल्कुल आपको सारी चीजें बताएंगे। कर्नल मिलिट्री स्कूल में वो सारी सुविधाएं हैं, टॉप क्लास की फैकल्टीज है जिनका पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है और एक से बढ़कर के एक शानदार उन्होंने रिजल्ट दिया है। आप अगर आपके बच्चे को हमारे पास भेजते हैं तो मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम 100% उस बच्चे को मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल भेजने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।